हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैथ, हिंदी और EVS, जिसे जनरल साइंस भी कहते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में LKG में क्या पूछा जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैथ पे आते हैं। रिटन में क्या पूछा जाएगा बच्चों से, 1 to 100, ठीक है, ये रिटन में है। स्पेलिंग 1 to 20 पूछा जाता है बच्चों से LKG में, ONE, TWO, 20 तक, ओके। फिर है बैकवर्ड काउंटिंग, 20 to 1, 20, 20, 19, 18, इस तरह से 1 तक ये बैकवर्ड काउंटिंग हो गया। फिर काउंट एंड मैच, जैसे ये 1, 2, 3 है तो इसे इस तरह से मैच करना है, 1, 2 है तो 2 से, ये 1 है तो 1 से, इस तरह से काउंट एंड मैच दिया जाएगा बच्चों को। फिर आएगा व्हाट कम्स आफ्टर बिटवीन, इसमें बिफोर नहीं पूछा गया था, आफ्टर और बिटवीन ही पूछा गया था। तो आफ्टर में जैसे 5 है तो व्हाट कम्स आफ्टर 5 तो 6, व्हाट कम्स आफ्टर 6 तो 7, इस तरह से। फिर 8 है, बिटवीन में ये आ गया 8, 9, 10, ये बिटवीन का हो गया, 11, 12, 13 ये बिटवीन का हो गया। तो इस तरह से ये पूछे जाएंगे बच्चों से। फिर इसमें मैच भी करने को दिया जाएगा, जैसे ONE है तो ये 1 हो गया, TWO, 2, मतलब एक तरफ स्पेलिंग एक तरफ ये नंबर, तो इससे बच्चों को मैच करना होगा, ये भी मैचिंग दिया जाएगा बच्चों को। फिर अब देखिए ओरल में क्या पूछा जाएगा। ओरल में है स्पेलिंग 1 to 20, बच्चा का लिखना जानता है तो वो ओरल भी बता देगा 1 to 20 तक स्पेलिंग। और आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर पूछा जाएगा उससे ओरल में, व्हाट कम्स आफ्टर 8 तो बच्चा बोलेगा 9, कुछ भी इस तरह से पूछा जाएगा। काउंटिंग उससे 1 to 100 तक पूछा जाएगा। अब आते हैं हिंदी रिटर्न, अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए क से ज्ञ तक आता है, अ से अ तक आता है, ठीक है। बच्चे तो शुरू से पढ़े रहते हैं तो उन्हें अच्छे से पता चल जाता है क से ज्ञ तक लिखना, अ से अ तक लिखना, ओके। तो ये हो गया। फिर खाली स्थान भरो, तो क के बाद ये ख, ग, घ, अ, आ, ई, बड़ी, इस तरह से बच्चों को भरना रहेगा। फिर आता है मैचिंग करने के लिए, तो इस तरह से क से क, ग से ग, आ से आ, इस तरह से मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए दिया जाएगा बच्चों को। तो आप शुरू से ही तैयारी में लग जाएं कि बच्चे अच्छे रिजल्ट लाएं, ओके। लेकिन हाँ, हमें बच्चों से ये भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ये बिल्कुल नहीं। बस बच्चे को कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी छोटे हैं, इसलिए आराम से उन्हें तैयारी करवाएं, खेल खेल में उन्हें तैयारी कराएं। जैसे बच्चे खेल ही रहे हैं तो, या बच्चे TV ही देख रहे तो उनसे कुछ पूछ लिया कि बेटे क से क्या होता है, या A4 एप्पल की स्पेलिंग बता दो, जैसे कुछ भी वो कर रहे हो तो बस एक दो बार पूछ लिया, बच्चे को ये भी नहीं लगेगा कि हाँ मम्मी मुझे पढ़ा रही है, बस वो बता देगा, नहीं बताएगा तो आप बता दे बस, फिर छोड़ दें। हाँ, फिर आप इस तरह से उन्हें 1-2 घंटा पढ़ाने के लिए बिठाएं ज़रूर उन्हें, ओके। फिर है 2 अक्षर के शब्द, जैसे इसमें ख प्लस त, खत, ये भी आएगा, ये आपको दिया रहेगा, ये बच्चों को लिखना है, इस तरह से भी आता है, ये आपको दिया है ये लिखना है, ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर इसी तरह 3 अक्षर के शब्द, अब 2 अक्षर के शब्द बच्चों को खुद से भी लिखने के लिए आ सकता है कि 2 अक्षर के शब्द लिखो, तो उसमें खत, नल, फल, जो भी है। और हाँ, बच्चों को अगर 2 अक्षर के शब्द पढ़ा रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि उन्हें रैमिंग वर्ड्स जो होते हैं, मिलते जुलते शब्द जो हिंदी में कहते हैं, उस तरह से पढ़ाएं जिससे बच्चों को अच्छे से याद हो जाए, जैसे नल नल, फल फल, जल जल, तो इस तरह से बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे, ओके। अब जैसे 3 अक्षर के शब्द, तो उसमें भी कमल, कलम, बटन, इस तरह से आते हैं। सेम इसी तरह से ये जोड़कर शब्द बनाओ, जैसे मैंने इसमें बताया था 2 अक्षर के शब्द में, जैसे कमल है तो बच्चा इस तरह से लिखेगा कमल, कमल, खत, खत। हाँ, आप देख लीजिएगा कि बच्चों को LKG के क्लास में आपके बच्चे को 4 अक्षर के शब्द पढ़ाए गए हैं या नहीं, या फिर 2 अक्षर तक ही पढ़ाए गए हैं, या फिर 3 अक्षर तक ही पढ़ाए गए हैं। जितने भी पढ़ाए गए हैं आप उन्हें उसी की तैयारी कराएं, ओके। जैसे 4 अक्षर के शब्द है तो अचकन, अचकन, बर्तन, जैसे देखिए मिलते जुलते हैं, तो हमें बस ऐसे ही बच्चों को याद कराना है। इसी तरह इसमें जोड़कर भी शब्द बनाने के लिए आ सकता है, जिस तरह से 2 अक्षर के शब्द में मैंने पीछे दिखाया था।
ठीक है। अब इसमें है आपको चित्र पहचान कर नाम लिखो, तो इसमें चित्र पहचान कर नाम लिखना होगा, जैसे न य न नयन, क म ल कमल, यहाँ चित्र दे दिया जाएगा और आपको नाम लिखना होगा, सॉरी आपके बच्चे को नाम लिखना होगा, ठीक है। क ल म कलम, ये मैंने वर्कशीट बच्चे LKG की क्लास में के लिए बताया हुआ है, हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों में बताया हुआ है, मैं उसे आई कार्ड में डाल दूंगी ऊपर, आप चेक कर लीजिएगा और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख लीजिएगा। हिंदी ओरल में क्या पूछे जाएंगे, हिंदी ओरल में आपको क से लेकर ज्ञ तक, अ से अह तक, या फिर आपको क से ज्ञ तक नहीं भी पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से पूछे जाएंगे, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, इस तरह से बच्चों को बताना है, ये नहीं कि क ख ग घ। फाइनल एग्जाम में मेरे बच्चे के सिलेबस में तो इसी तरह से है, उन्हें बताना है क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग खाली, इस तरह से उन्हें बताना है, ना कि बताना है क ख ग घ। लेकिन आप देख लीजिएगा उन्हें किस तरह से पूछा जाएगा, टीचर खुद ही बता देंगे कि किस तरह से उनसे पूछा जाएगा। उसी तरह फिर अ से अ, फिर रंगों के नाम, ओके, नीला, पीला, सफ़ेद, हरा, ये सब, फलों के नाम पूछा जाएगा, सब्जियों के नाम पूछा जाएगा। फिर आपको वैसे ही अ से अनार से अ से अंगूर तक बताना है, ठीक है, अ से अनार से अ से अंगूर तक, और क से कमल से ज्ञ से ज्ञानी तक। देखिए अब जिन बच्चों को LKG में जनरल साइंस या EVS पढ़ाया जाता है ये उनके लिए है ओरल, LKG में ओरल ही पूछा जाता है इसमें, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, कलर नेम, सेंस ऑर्गेन, फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फिर फ्लावर्स नेम, ये सब पूछे जाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये सब, फिर फेस्टिवल्स नेम हो जाएगा, ईद, फिर दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, फिर नेम ऑफ नेशनल बर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल बर्ड, तो पीकॉक, फिर नेम ऑफ नेशनल एनिमल तो टाइगर, नेम ऑफ नेशनल फ्लावर तो लोटस, ये पूछे जाएंगे बच्चों से। सेंस ऑर्गेन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, EVS वर्कशीट उसका डाला हुआ है, आप मैं आई बटन पे डाल दूंगी, उसे आप चेक कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है फिर मम्मी, आप उन्हें अच्छे से तैयारी कराएं बच्चों की फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है, फिर उसे बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।